देश के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत कितनी खस्ता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। स्वास्थ्य सिस्टम को पटरी पर लाने के लिए ही सरकार ने ग्रामीण इलाकों में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की शुरुआत की थी। अब खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया है कि ग्रामीण इलाकों में चलाए जा रहे इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में 76% स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी देखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अपने शुरुआत के दिनों से ही महिला स्पेशलिस्ट, शिशु स्पेशलिस्ट, फिजिशियन और सर्जन की कमी से जूझ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों में 78.9% सर्जन, 69.7% दाई और स्त्री विशेषज्ञ, 78.2% फिजिशियन और 78.2% बाल रोग विशेषज्ञों की कमी है। साल 2005 से 2020 के बीच कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की संख्या 3,550 से बढ़ाकर 4,957 की गई है, लेकिन अभी भी जरूरी डॉक्टरों और मौजूद डॉक्टरों के बीच की खाई काफी गहरी है। रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन योजना की शुरुआत की थी। हालांकि अब भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जहां इस योजना का फायदा नहीं पहुंचाया जा सका है। रिपोर्ट के मुताबिक देश भर के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में करीब 13,384 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जरूरत है। इस लिस्ट में नरेंद्र मोदी का मॉडल राज्य गुजरात पहले नंबर पर है। यहां हेल्थ सेंटर में कुल 1,088 स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने चाहिए, जबकि यहां 996 डॉक्टरों की कमी है। इनके अलावा मध्य प्रदेश में 916 डॉक्टर होने चाहिए, जबकि 867 डॉक्टरों की कमी, और पश्चिम बंगाल में 380 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन यहाँ भी 247 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है। कमोबेश यही हाल देश के अन्य राज्यों का भी है, जहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हेल्थ सेंटरों में कुल 5,183 फिजिशियन की जरूरत है, जबकि 3,331 की कमी है। इनके अलावा ग्रामीण इलाकों का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 4,087 सर्जन, 3,611 नर्स और स्त्री रोग विशेषज्ञों की कमी से भी जूझ रहा है। देश के ग्रामीण इलाकों में 5,183 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर चल रहे हैं। इनमें स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी का मुख्य कारण भर्तियों का ना होना है। मसलन विशेषज्ञों के लिए निकाले गए कुल पदों में 63.3% पदों पर भर्ती ही नहीं हुई। रिपोर्ट में बताया गया है कि 31 मार्च 2020 तक सर्जन के 68.4%, स्त्री रोग विशेषज्ञ और दाई के 56.1%, फिजिशियन के 66.8% और बाल रोग विशेषज्ञों के 63.1% पद खाली थे। इतना ही नहीं, ग्रामीण इलाकों में कमोबेश यही हाल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का भी है, जहां डॉक्टरों के कुल 24,918 पदों में 8,638 पद खाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।